हेलो बच्चों आज सातवीं कक्षा के वसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया पापा खो गए नामक अध्याय का वाचन करने वाली हूँ आप भी साथ में ही पढ़िएगा ओके लेट्स स्टार्ट पापा खो गए पात्र बिजली का खम्बा पेड़ लेटर बॉक्स कौवा नाचने वाली लड़की आदमी सड़क रात का समय समुद्र के सामने फुटपाथ वहीं पर एक बिजली का खम्बा एक पेड़ एक लेटर बॉक्स दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव दूर कहीं कुत्तों के भोंकने की आवाज ख़म्बा जमाई रोकते हुए राम 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 रात बहुत हो गई पेड़ आजकल की रातें कैसी हैं जल्दी बीतने में ही नहीं आती ख़म्बा दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है पेड़ लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है ख़म्बा तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है पेड़ मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है अंग थर थर लगते हैं खंबा मेरी तबीयत ही लोहे की ही है जो मैं बीमार नहीं पड़ता वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए पड़ जाएगा नहीं कितने दिन बीत गए कितनी रातें लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहां यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह तब सब कुछ कितना कितना अलग था यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब यह सड़क भी नहीं थी वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी सिर्फ सामने का यह समुद्र था बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला इतना ही सही लेकिन वो भी कहा तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई हाँ अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है खम्बा और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारी ऊपर ही आ पड़ा पेड़ बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफ़ान अब खम्बा तुम खड़े थे इसलिए इसीलिए कुछ संभल गए हाँ तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया वह अच्छा हुआ चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई पेड़ हम्म हवा आज भी बहुत है दोनों चुप हवा की आवाज कुत्ते का भोंकना पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है उसके घुंघरू बजते हैं वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है कौवा पेड़ के पीछे से झांककर कांव कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है जरा भर चैन नहीं ने। hmm, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इसका करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है धीरे से जीप को लगाकर खोलता है उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुद्ध गोविंद राव जी नहीं। नहीं। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमजोर है क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता और इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें इसका क्या मतलब फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था इस परीक्षित होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है यह किसका है खंबा क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे लेटर बॉक्स आश्चर्य से चोरी 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 किस लिए सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालता हूं कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो पोस्टमास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी ह हाँ। वह देखता ही रह गया चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ चार चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए वह प्राइवेट होती है प्राइवेट लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ वह मुझ तक ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है पेड़ कोई आ रहा लगता है सब चुप हो जाते हैं पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है तेज हवा की बन बनाहट भिकारी जैसा एक आदमी आता है उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने गहरी नींद सो रही थी अब तक उठी नहीं है उठेगी भी नहीं मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है अब मुझे लगी है भूख दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों तो ऐसा किया जाए इसे यही लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें देखे कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन मुमकिन नहीं पेड़ की ओठ में लड़की को डाल देता है उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है खम्बा, पेड़ से पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है पेड़ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई और यह लड़की तो छोटी सी है लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा कर लाया है मैंने सुना है पेड़ कौवे को जगाते हुए शे कौ जाग ना जाग कौवा दिन हो गया पेड़ नहीं दिन नहीं हुआ पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है चुप वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी कौआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है खंबा भयंकर बहुत ही भयंकर पेड़ झुककर कर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है कौन जाने किसकी है लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नास पेटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे खम्बा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे पर मुझसे झुका ही नहीं जाता लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो लेटर बॉक्स हाँ 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 खम्बे महाराज कौआ आकर कौन उठा लाया किसे? बोलो अब पेड़ इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला खम्बा वह जरा गया है खाने की तलाश में भूख लगी थी उसे लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा ना सीटा और ये खिलानी सी बच्ची नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का कौवा हाँ सच आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं मैं तो घूमता रहता हूँ ना ऐसा होते देखा है पेड़ मैं बताऊँ अपन यह काम नहीं होने देंगे लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे खम्बा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें कौआ वह दुष्ट है कौन पहले उसे नज़र तो आने दीजिए लेटर बॉक्स मैंने देखा है ना इस पीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो कैसी नजर थी उसकी घड़ी भर को तो मुझे लगा कही यह मुझे ही ना उठा ले जाए कौआ आपको खो खो करके हंसता है छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है अध खुली आंखों से सामने देखती है पेड़ खम्बा लेटरबॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें खम्बा उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपिटों का उनका वही जाने उनका वही जाने कौआ ओ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी तब जान पाओगे यह सब पेड़ काफ़ी समझदार है तू अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा लड़की सबने देखते हुए सी खड़ी है लड़की न, क्या ये सब बोल रहे हैं लेटर बॉक्स बिजली का खम्बा ये पेड़ कौवा कौवा सबको इशारा करता है तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और फिर गौर से देखती है सभी निस्तब्ध कौन बोल रहा था कौन गप्पे मार रहा था सभी चुप कौन बातें कर रहा था मुझे मुझे डर लग रहा है मैं कहाँ हूँ यह सब क्या है मेरा घर कहाँ है मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है बहुत डर लग रहा है कैसा अंधेरा है चारों तरफ रात है सपना देख रही थी मैं पर सब सच है कोई तो बोलो ना नहीं तो चीखूँगी मैं चीखूंगी सभी चुप स्तब्ध लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है लड़की मुझे डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है लेटर बॉक्स पेट से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता बहुत घबरा गई है आगे सरक कर बच्ची घबरा मत लड़की पहले ऊपर देखती है फिर सामने कौन लेटर बॉक्स मैं हूँ लेटर बॉक्स लड़की तुम तुम बोलते हो लेटर बॉक्स हाँ मेरे मुँह नहीं है क्या लड़की तुम चलते भी हो लेटर बॉक्स हाँ आदमियों को देख देख कर लड़की सच लेटर बॉक्स उसमें क्या है थोड़ा चलकर दिखाता है पर तू घबरा मत लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है मजा लेटर बोलता है, चलता भी है खुश होकर। वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूं। कुछ भजन वगैरह। लड़की सच लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है लड़की तुम मजेदार हो बहुत बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ ना सीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था लाल रंग पोत दिया मुझ पर लड़की लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है सपना लग रहा है सपना लेटर बॉक्स कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ देख लो यू ही लगता है तू रहती कहाँ है लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ लेटर बॉक्स बहुत अच्छे हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए पर तेरा यह घर है कहाँ लड़की हाँ घर हमारी गली में है लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है पर ये गली है कहाँ लड़की सड़क पर आसान तो है मिलनी हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है हाँ उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं लेटर बॉक्स यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो घर गली में गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों इससे चोरी वोरी भी कम होती है पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है लड़की नाम आ, हमारे घर वाली सड़क लेटर बॉक्स अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना जैसे मुझे सब ने नाम दिया है लाल ताऊ पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है लड़की ये सब कौन ये सब यानी कौन यहाँ तो कोई नहीं है लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर हो है नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं मैं वैसे बता रहा था तुझे आ, कोई मुझे ऐसे कहे तो पेड़ खम्बा कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं लेटर बॉक्स तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है लड़की मुझे नहीं पता सभी उसे सड़क कहते हैं सच कोई कोई रोड भी कहता है रोड लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा लड़की मुझे नहीं पता सच्ची मुझे नहीं पता खम्बा बीच में ही कमाल है लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है वह चुप लड़की कौन बोला यह कमाल है हाँ कौन लेटर बॉक्स खंभा जीप काट कर नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे यूं ही लड़की मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से पेड़ हाँ एकदम मुँह कर टहनी रखता है ऊपर टहनी रखता है और लड़की देखो वहाँ से वहाँ से आई है आवाज़ जरूर आई है उस पेड़ पर से आई है कौआ मैंने नहीं की चोंच दबा कर रखता है। है? लड़की, कौन बोला है? कौन? बोला खंबा, भी, पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है वह फिर से अपने पांव टिकाती है घुंगुओं की आवाज लड़की वो देखो देखो कोई नाच रहा है सभी एक टक देखते रहते हैं क्या है यह क्या है कौन बोलता है कौन नाच रहा है कौन लेटर बॉक्स प्यार से देख तू बिल्कुल घबरा मत हम ही बोल रहे हैं हम ही नाच रहे हैं चल रहे हैं गा भी रहे हैं लड़की हम ही मतलब कौन बताओ ना बताओ जल्दी लेटर बॉक्स हम ही यानी कि हम ही मैं लेटर बॉक्स यह पेड़ वह बिजली का खम्बा या भी बस सिनेमा का पोस्टर लड़की कसम से लेटर बॉक्स कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है घुँघरुओं की आवाज़ वो फिर पहले की स्थिति में आती है लड़की मज़े हैं खूब खूब मज़े हैं अपने इर्द गिर्द सबको देखती है लेटर बॉक्स अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता ज़रा भी डर नहीं लगता खम्बा पेड़ कौवा शबाश लड़की हैरान होती है फिर ताली बजाकर खिल खिलाकर हंसती है लड़की सब चलकर पहले मेरे पास आओ सभी पहले हिचकिचाते हैं आओ न पास नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी जाओ सब बारी बारी से पास आते हैं बैठो सब बैठ जाते हैं सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है खम्बे खम्बे नीचे बैठो वह अभी भी खड़ा है बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी लेटर बॉक्स अरे मैं बताता हूँ तुझे उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता लड़की क्यों पेड़ क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं लड़की व्याकुल होकर ओ यारे मतलब ये या बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है टीचर से जैसे सजा मिली हो खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं हाँ चलो सब मिलकर बड़े यत्न से खम्बे को बिठाते हैं बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है लड़की ताली बजाती है एक लड़का बैठ गया बैठ गया जी एक लंबा लड़का बैठ गया खम्बा ज़रा सुख महसूस करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर सच सच बताऊं हम खड़े रहते हैं ना तब तो बैठने का सपना देखते हैं सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है लड़की मुझे भी वैसा ही लग रहा है मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं पेड़ मैंने देखा था जीप काटता आ हाँ मैंने नहीं देखा मैं यह कह रहा था लड़की यह लड़का जो जी में आए बोल देता है तुम्हें जीरो नंबर पेड़ खंभे को मार मारकर चलो ठीक है जीरो तो ज़ीरो सही लड़की ए हम सब खेलें हाँ पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर होता है घुघरुओं की आवाज़ मजा एक लड़की बार बार गिर रही है गिर रही है जरा सोच कर ए मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे दिखाऊं करके सभी हाँ हाँ दिखाओ ना वाह लड़की नाच करने लगती है पेड़ खंबे से धीरे से थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा खंबा कौन पेड़ वह वही दुष्ट आदमी वह बच्चे उठाने वाला खंबा सचमुच कौवे से उसके आने का वक्त हो गया कौवा किसके खंबा उस बच्चे उठाने वाले का इसे अभी ले जाएगा वह लेटर बॉक्स बाप रे। तब फिर पेड़ क्या किया जाए खंभा कुछ तो करना ही पड़ेगा पेड़ लेकिन क्या पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं नाच खूब रंग में आता है सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं पुनः नाचते हैं दाद देते हैं तभी वह दुष्ट आदमी आता है देखते ही सब निस्तब्ध नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है आदमी मुछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है वाह पेट भर खा लिया अब आगे चला जाए लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है उसका चेहरा बदलता है कहाँ गई गई कहाँ वह छोकरी मैं छोड़ूंगा नहीं उसे अभी पकड़ के ले आता हूँ मुझे चकमा देती है ढूंढने लगता है पेड़ खंबा लेटर बॉक्स पोस्टर इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है कौवा भूत, भूत भूत पीछे पीछे पेड़ खंबा लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं पेड़ खंबा और लेटर बॉक्स कहते हैं भूत भूत तीनों मोर ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं इसी के साथ भूत भूत करता वह कर भाग निकलता है सभी पेट पर हाथ रखे जी भर कर हंसते हैं खंबा मजा आ गया कौवा खूब बदुनाई। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को बड़ा या बच्चे चुरा कर भागने वाला अच्छी खातिर की उसकी लेटर बॉक्स अच्छी ना कटी दुष्ट की खंबा अरे पर वो कहाँ है कौवा वो कौन पेड़ कौन खंबा वो वो छोटी लड़की अपनी लेटर बॉक्स अरे अरे वो 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 कहाँ गई पेड़ कौन कौवा देखूं देखते हैं इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं सभी चिंताग्रस्त ख़म्बा खंबा गई कहाँ उठा यहीं तो थी पेड़ कहीं नहीं मिल रही लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश फिर से ढूंढते हैं लड़की नहीं मिलती सभी घबराए हुए हैं पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है कौवा निराश नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती पेड़ मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे कितनी प्यारी खम्बा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका सभी शोकग्रस्त बैठे हैं तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है लड़की शरारत से मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं उसे पकड़ने दौड़ते हैं वह पकड़ में नहीं आती सबको भगाती रहती है सब थक जाते हैं आखिर कौआ उसे पकड़ता है कौआ धप से कैसे पकड़ ली लड़की पर पहले कैसे घबरा गए थे सब आह मजा ताली बजाती है पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है लड़की थक कर बैठ जाती है खूब मजा आया मुझे जरा सांस लेने दो अब ए पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से तुम्ही बचा लिया मुझे आह मुझे बहुत नींद आ रही है थक गई मैं लेटती है बहुत थक गई मुझे उठा देना हाँ फिर हम मजा करेंगे बहुत थक गई मुझे उठा देना हाँ फिर हम मजा करेंगे गहरी नींद सो जाती है सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से कौवा सो गई बच्ची पेड़ थक गई थी ना बहुत तभी झट से सो गई लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है कौवा उसके पैर दबाता है खंबा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी पेड़ तब यह कहाँ जाएगी लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता टिकाना ही नहीं मालूम अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम छोटी है अभी खम्बा तो इसका क्या होगा कहाँ जाएगी लेटर बॉक्स सचमुच रे कहाँ जाएगी कौआ मैं बताओ सभी क्या कौआ हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं सभी उठकर कैसे कौआ आसान है सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे वह आराम से देर तक सोती रहेगी और खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए खम्बा इससे क्या होगा कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया वो यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी वो लगाएगी इसके घर का पता पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कौआ मैं बराबर यहां जोर जोर से काँग काँग करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊंगा लेटरबॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो कौआ तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ बॉक्स जरूर करूंगा अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो क्या करूँ बता कौवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना कान में बात करने लगता है तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती हैं घुंघरूओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है लेटर बॉक्स बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा कौवा उसके कान में और कुछ कहता है लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है अंधेरा कुछ देर बाद उजाला सुबह होती है खम्बा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं कावे की कांव का जोर-जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है पापा खो गए हैं पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूं आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा पर्दा गिरता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा अभी अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू